लेकिन तुम लोग ये बताओ कि कभी तुम लोग चिड़ियाघर घूमने गए? हाँ हाँ। गए। अच्छा, वहां क्या क्या देखा तुम लोगों ने? शेर, शेर, चीता, चीता, भालू, हाथी, हाथी, हुक्कू बंदर, हुक्कू बंदर, वन बंदर मानुष, और वन मानुष, वन वन मानुष। मानुष। हाँ, वन मानुष। वन मानुष बेटा पहले आदि मानव ही कहलाता था, और हम लोग जब बात करते हैं आदि मानव की तो मानव विकास की बात भी बेटा आती है। अब मानव विकास को हम लोग तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं। कितने काल में? तीन तीन कालों तीन में। कालों में। वो कौन कौन से काल हैं? पूर्व पाषाण पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कौन कौन से काल बेटा? पूर्व पाषाण काल, काल, मध्य मध्य पाषाण पाषाण काल, काल, उत्तर उत्तर पाषाण पाषाण काल। काल। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं पूर्व पाषाण काल में आदि मानव कैसे क्या किया करता था। ठीक है, देखो, पूर्व पाषाण काल में आदि मानव जंगलों में रहता था, तभी उसको वनमानुष भी कहा जाता था। ठीक है ना? हाँ तो वो जंगलों में रहा करता था, उसके पास रहने की और कोई जगह नहीं होती थी। और जंगलों में वो रहता कहाँ था ये बताओ? जंगलों में कहाँ रहता था, कुछ पता है? गुफा में, गुफा में। हाँ, गुफाएं थी, बहुत बड़ी 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 गुफाएं, और बड़ी बड़ी वो जो पेड़ के खो होते हैं ना, उसके हाँ अंदर अपने आप को छुपा के रखता था। वो इसलिए छुपा के रखता था क्योंकि जंगल में और भी जानवर होते थे, जैसे शेर, चीता, भालू। भालू। अब वो अगर अपने आप को छुपाएगा नहीं तो मार नहीं देंगे उसको लोग, इसलिए हाँ वो उसमें छुप के रहता था। और बरसात भी होती थी, बरसात से भी अपने आप को बचाता था, गर्मी से भी बचाता था अपने आप को। अच्छा, ये तो हो गई उसके रहने की बात। अब ये बताओ कि वो खाता क्या था? मांस, मांस, कच्चा मांस कच्चा खाता मांस। था। वो जानवरों को मारता था, जानवरों को मार मार के लेके आके रखता था, और सारे जितने आदि मानव होते थे सब घेर के बैठ जाते थे। अच्छा, पत्थर मारता तो था, लेकिन ये बताओ मारता वो किस चीज से था? से, पत्थरों से। को रगल की नकुला पत्थर, हाँ, उसको बनाता था नकुला बनाता वो, तो था। मध्य जो पेड़ पाषाण होते थे ना काल। बड़े बड़े, हाँ उन पेड़ों को भी वो घिस घिस के नुकीला बनाता था, उससे मार देता था, और ला के रख के सारे आदि मानव इकट्ठे हो जाते थे, और वही अपना खाया करता था। अच्छा, उस जमाने में उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तो वो देखा तुमने जैसे चिड़ियाघर में वनमानुष को देखा था ना, हाँ वैसे ही घूमते थे। ये था पूर्व पाषाण काल। कौन सा काल हाँ था ये? पूर्व पूर्व पाषाण पाषाण काल। अच्छा बताओ, पूर्व पाषाण काल में क्या क्या था? पूर्व पाषाण काल में वह कपड़े नहीं पहनता था और कच्चा मांस खाता था और जंगलों में रहता, गुफा में रहता था, और पेड़ की जिन चीजों जो बड़े बड़े खो होते हैं उनमें रहता, अपने आप को छुपा के रखता था क्यों छुपाता था? ताकि वो जंगलों में जो जानवर होते हैं वो उसको मार के खा ना जाए। हाँ, शाबाश शाबाश बेटा पंकज। ये पूर्व पाषाण काल था। तो पूर्व पाषाण काल के बाद आया मध्य मध्य पाषाण पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल और पूर्व का पाषाण काल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ बेटा कि जिन जानवरों को पहले ये लोग पत्थर से मारा करते थे ना, अब वो पत्थर से नहीं मारते थे, अब विकास हुआ तांबे का और इस्पात, इस्पात काल मतलब लोहा लोहा। है ना, इनका विकास हुआ। तो अब हथियार जो थे ये उसके बनाने लगे, उनको रगड़ रगड़ के घिस के नुकीला बना लिया। ठीक है, उससे ये लोग जानवरों को मारते थे, और जानवरों को मार के लाए और अपना रखा। लेकिन एक चीज और हो गई, उस समय इन लोगों ने आग को भी विकसित कर लिया। आग को इन्होंने मालूम है कैसे विकसित किया? दो पत्थर पत्थरों थे, को रगड़ के, हाँ, उनको आपस में जब टकराते थे तो उससे क्या निकलती? चिंगारी निकलती थी, फिर उससे और आग जो, उत्पन्न हुई। हाँ, और जो सूखे पेड़ पौधे होते थे ना, वो भी जब आपस में टकराते थे तो तो उनसे भी चिंगारी चिंगारी निकलती थी, हाँ। तो इन्होंने आग पैदा की। अब हाँ। ये जो मांस कच्चा खाते थे उसको बेटा ये भून के खाने लगे। ठीक है, और पहनना भी इन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया। जिस जानवर को ये मारते थे उसकी खाल को अपना लपेट लेते थे, और जो पेड़ पौधे बड़े बड़े पत्ते होते थे, जैसे केले का पेड़ है तो केले के पेड़ का पत्ता ले लिया, उसको अपना लपेट लिया, तो ये कपड़ा भी पहनना सीख गए थोड़ा बहुत। कपड़ा क्या, उसको मतलब इसी तरह से तन ढकने का एक साधन उन्होंने मध्य पाषाण काल में ये बना लिया। हाँ। और मध्य पाषाण काल में बेटा एक बहुत बड़ी चीज हुई, मध्य पाषाण काल में जो ये थे आदि मानव, इन्होंने जमीन से कुछ चीजों को उगते हुए देखा, तो इनकी उत्सुकता हुई कि ये क्या है, हैं? तो उन्होंने क्या किया कि ये जो गाय और बैल, दुधारू जो भी पक्षी पशु पक्षी हुआ करते थे, इनको इन्होंने लगाया अपने साथ, इनसे जुताई उताई का काम शुरू किया, थोड़ा सा अनाज पैदा करना सीख लिया इन्होंने। तो ये हुआ मध्य मध्य पाषाण पाषाण काल। काल मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ। अच्छा बेटा, आप तुम बताओ शाश्वत कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ और पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था, उन दोनों में क्या फर्क हुआ ये बताओ। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव जो था वो हाँ, कपड़े नहीं पहनता था, मध्य पाषाण पहनने लगा। पहनने लगा कपड़े, शाबाश।
और पूर्व पाषाण काल में उसको आग जलाने का आग जलाना नहीं आता था, कच्चा मांस खाता था, और मध्य पाषाण काल में आके उसने आग जला के मांस को भूंज कर खाना चालू कर दिया, खेती भी करने लगा, जो दुग्धारू पशु होते थे उनसे जुताई करवाने लगा। हाँ बेटा, ये था पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद जो काल आया उसको कहते हैं उत्तर पाषाण काल, जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं। ठीक है, अब उत्तर पाषाण काल में देखो बेटा, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। साइंस ने बहुत तरक्की करी, गैस का इजाद हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सारी चीजें इन्होंने पैदा कर ली। इन्होंने क्या किया, अब मिलें लगा ली बड़ी बड़ी, उसमें कपड़े बनाने लगे, है ना, कपड़े पहनने लगे, जो पहले खाल पहनते थे अब वो कपड़े पहनते थे। ठीक है, ये उत्तर पाषाण काल में शुरू हुआ। पहले आने जाने का कोई साधन नहीं था, पहले वो लोग ऐसे जंगल में इधर उधर अपना कोई था ही नहीं, शहर ही नहीं थे, अब तो शहर बहुत विकसित हो गए, तो अब वहां पर आने जाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेल बनाई, बस बनाई, एरोप्लेन, हाँ, हवाई जहाज बनाया, कार बनाई, मोटरसाइकिल, हाँ, और अब आदमी जो है चांद पे भी पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये कौन सा काल रहा, उत्तर पाषाण काल। हाँ बेटा, ये था उत्तर पाषाण काल। तो ये सारे तीनों जो काल थे ये मानव विकास का एक तरह से प्रगति पथ था, है ना, इस तरह से उन्होंने एक एक करके सारे विकास किए। अच्छा बताओ तुम लोग तीनों, कि तुम लोगों ने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये तीनों जाकर के हैं, तुम बताओ पहले पूर्व पाषाण काल, हम बताएं। हाँ फिर तुम बताओ। पूर्व पाषाण काल में मतलब आदि मानव जो थे उनको मतलब आग जलाना नहीं आता था, उन लोग के पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, और वो लोग गुफा में रहते थे, नदी से पानी पिया करते थे, और उन लोगों को खेती करना भी नहीं आता था। शाबाश शाबाश, ये था पूर्व पाषाण काल। ठीक है ना, तुम बता दो, और जल्दी से तुम बता दो, तो पूरी कहानी तुमको आदि मानव की समझ में आ जाएगी कि उसने कैसे अपना विकास किया और आज इस रूप में वो है। मध्य पाषाण काल में मांस को भून के खाते थे, और उन्होंने आग जलाना सीखा, शाबाश, उन्होंने फसल उगाई, जो जिन पशुओं को मारते थे उन्हीं की खाल पहनने लग गए, और बड़े बड़े पत्ते पहनने लग गए, और पानी नदी से मध्य पाषाण काल में भी पिया करते थे। शाबाश शाबाश, चलो ठीक है बेटा, तुम सब अब तुम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई ना कि किस तरह से लोगों ने किन चरणों में इसका अपना विकास किया। तो इस प्रकार मानव तब क्या था, अब क्या है, और अब क्या है, ये इन तीन कालों से स्पष्ट हो गया। ठीक है बेटा।